मुजफ्फरपुर के पारू में हुए नाबालिग लड़की हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में एक बस से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल की है और आरोपी ने बताया कि लड़की के साथ उसकी बातचीत कई साल से हो रही थी, लेकिन इस बात की जानकारी लड़की के गाँव वालों को हो गई और वहाँ के कुछ लड़कों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। 11 अगस्त की रात जब दोनों एक जगह मिले, तभी गांव के लड़कों ने उन पर हमला बोल दिया। जानलेवा हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पांचों लड़के वहां से फरार हो गए। आरोपी संजय ने जब देखा कि लड़की की हालत गंभीर है और उसका भेद खुल जाएगा, तो उसने लड़की की हत्या कर दी और शव को पानी में फेंक दिया। बता दें कि 12 अगस्त की सुबह नाबालिग लड़की का शव पास के चौर में मिला था। घटना को लेकर आरोप लगाया गया था कि लड़की के साथ रेप कर फिर उसकी हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रविवार को मामले को लेकर बहुजन आर्मी ने जातीय उन्माद फैलाने की भी कोशिश की। आज सुबह इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से, कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों के जो CDR के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, सॉरी 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पर वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं, जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है। वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पर थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गया। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए।